सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को जेल से जमानत पर रिहा तो कर दिया गया, लेकिन यहां आपको बता दें कि जिस तरह से रिया को मीडिया से लेकर सुशांत के करीबी और उनके फैंस ने आरोपी बताते हुए घेरा था, उस बर्ताव के लिए रिया की आंखों में बदले की भावना साफ झलक रही है। मानो उन्होंने मन ही मन ठान लिया हो कि वो एक एक को चुनकर अपना बदला निकालेंगी। तभी तो बीते दिनों मुंबई हाई कोर्ट से रिया ने सुशांत की बहनों के खिलाफ हुई एफआईआर पर बारीकी से जांच करने की अपील की है। दरअसल सितंबर महीने में रिया ने सुशांत सिंह की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि बहनों ने सुशांत को बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां दी, जिसकी वजह से सुशांत को पैनिक अटैक आया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने रिया द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सीबीआई को सौंप दी। अब ऐसे में सुशांत की बहनों को शायद इस बात का डर लग रहा है कि सीबीआई उनके खिलाफ अगर एक्शन में आ गई तो उनकी गिरफ्तारी तो तय है, इसलिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती की याचिका को रद्द करने की मांग की है। यही नहीं, सुशांत सिंह की दोनों बहनें प्रियंका और मीतू सिंह ने इस बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जिससे कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि सुशांत की दोनों बहनें चाहती हैं कि इससे पहले कि रिया द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के तहत उनके खिलाफ किसी एक्शन की संभावना बने, उससे पहले ही बहनों की सुनवाई कोर्ट में हो जाए। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने भी हाई कोर्ट से बहनों द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए उनके खिलाफ बारीकी से फर्जी प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने की बात को नज़र में रखने की अपील की और जांच करने के लिए अनुरोध किया। कुल मिलाकर दोनों ही ओर से ये खींचतान जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला आता है।